मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ केमिकल्स को मिलाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके हाथ में एक हेड कैमरा भी होता है और उसी टेबल पर हम बहुत सारे लोगों की फोटोज को देखते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई है और वो एक डोर को खोलने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी पीछे से उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जैकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि क्रिस नाम के एक आदमी के साथ एक पार्टी में जा रही होती है। फिर उसी पार्टी में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनके नाम जैक्सन जो कि एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़का है, लिया जो कि एक टेनिस चैंपियन है, एंटन जो कि 5 साल तक आर्मी की जॉब में रहा था इसलिए वो वेपन एक्सपर्ट था, किथ जो कि दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, निक जो कि एक एथलीट था, कार्लो जो कि एक म्यूट गर्ल है क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद उसकी वोकल कॉर्ड खराब होने के कारण उसकी आवाज जा चुकी थी, सारा जो कि एक अनाथ लड़की थी, माइक जो कि एक प्रोस्टिट्यूट था और अंत में जैकी जो कि एक योगा टीचर है और उसे नए नए फ्रेंड बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर ये सब एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद पार्टी इंजॉय करने लगते हैं और इसी दौरान ये सब लोग बेहोश हो जाते हैं और इनकी आँख खुलती है एक सुनसान अंधेरे कमरे में जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और जिसने इन्हें यहाँ बंद किया था उसने इन सबके माथे पर एक कैमरा भी लगाया होता है। तभी एक लेडी एक अनाउंसमेंट करती है जो इन सब तक एक स्पीकर की हेल्प से पहुंच रहा था। वो लेडी इनसे कहती है कि आप सभी का हमारे इस गेम में स्वागत है, आप सबको एक गेम खेलने के लिए यहाँ लाया गया है जिसे आपको 12 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। इस गेम में आपको एक चाबी को ढूंढना होगा और उसी चाबी से आपको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, लेकिन इस गेम को केवल एक व्यक्ति ही जीत सकता है और बाकी सब लोग मारे जाएंगे और जो अंत में इस गेम का विनर बनेगा केवल वो ही यहाँ से बाहर जाएगा। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और उस रूम की डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास डोर की चाबी न होने कारण वो उस डोर को नहीं खोल पाते। ये देखकर पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने माथे पर से उस कैमरे को निकाल देता है, जिसके बाद उसका पूरा फेस एसिड से जलने लगता है और पीटर की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद ये दोबारा से उस लेडी की आवाज सुनते हैं, वो इनसे कहती है कि जो कैमरे हमने तुम्हारे ऊपर लगाए हैं वो कैमरे पूरी तरह से एसिड से भरे हुए हैं और अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसकी मौत भी उसी तरह से होगी जिस तरह से पीटर की मौत हुई है। जो इस गेम का विनर होगा उसका कैमरा हम खुद निकाल देंगे और ध्यान रहे अगर इस गेम को दिए गए टाइम में खत्म नहीं किया गया तो वो कैमरे ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएंगे और सारे लोग मारे जाएंगे। अब इन सब के पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए ये सब ना चाहते हुए भी उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं और गेम की डायरेक्शन की ओर चलने लगते हैं। दरअसल इन लोगों को क्रिस के साथ मिलकर बहुत सारे लोग कैमरे में देख रहे होते हैं और गेम शुरू होते ही वो लोग अपने अपने प्लेयर्स पर भारी रकम की बाजी लगाने लगते हैं। इन प्लेयर्स पर बाजी लगाने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और वो केवल अपने मनोरंजन के लिए गरीब लोगों की जिंदगी के साथ गेम खेलते हैं। इसके बाद हम गेम के सभी प्लेयर्स को देखते हैं जिन्हें कुछ दूर चलने पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक तलवार रखी होती है। जैक्सन उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है लेकिन एंटम उस पर अटैक करता है और उसी तलवार से जैक्सन का गला काट देता है और जैक्सन की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जैक्सन के मरने पर गेम मास्टर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। एंटम से डरकर जैकी और उसके दो साथी एक जगह जाकर छुप जाते हैं और लिया और कीथ एंटम के साथ मिल जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो जैकी और बाकी लोगों को मारेंगे, उसके बाद ही वो एक दूसरे को मारने के बारे में सोचेंगे। दूसरी तरफ निक को एक बैट मिलता है जिसे वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ रख लेता है। उधर एंटम और उसके साथी एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ चाबियां ही चाबियां होती हैं। तब कित एक बाल्टी की सभी चाबियों को ट्राई करके डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी चाबी उस डोर को नहीं खोल पाती। तब एंटम गुस्से में आकर उस बाल्टी में लात मारकर वहां से चला जाता है। इसी दौरान कित को वहां एक नुकीला वेपन मिलता है जिसे वो अपनी जेब में छुपा लेता है ताकि मुसीबत पड़ने पर वो उस वेपन से अटैक करके अपनी जान बचा सके। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं और सारा को एक टॉर्च मिलती है। जब वो उसे जलाती है तो उस टॉर्च की रोशनी से उन्हें चाबी के सिंबल्स दिखाई देने लगते हैं जिन्हें वो लोग फॉलो करने लगते हैं और उन्हें एक चाबी दिखाई देती है और वो चाबी ही उस डोर की असली चाबी होती है। जैकी चाबी उतारने के लिए ऊपर जाती है और चाबी उतार कर सारा की ओर फेंक देती है। तभी एंटम भी वहाँ पहुँच जाता है और सारा पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन निक उसे बचा लेता है और एंटम से फाइट करने लगता है। इसी बीच सारा चाबी लेकर वहाँ से भागने लगती है और किसी तरह सारा उनसे बचने के लिए ऊपर चढ़ जाती है लेकिन लिया और किथ भी उसका पीछा करते हैं और लिया सारा से चाबी मांगती है लेकिन दूसरी तरफ जैकी सारा से लिया को चाबी देने के लिए मना करती है। नीचे एंटम और निक में भी फाइट हो रही थी इसलिए सारा इस सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो नीचे गिरकर सुसाइड कर लेती है। इसी दौरान जैकी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है। किथ सारा के पास आता है और उसके हाथ से चाबी ले लेता है हालांकि सारा की सांसें अभी भी चल रही होती हैं। किथ उसे बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन सारा वहीं पर मर जाती है। फिर एंटम किथ से चाबी मांगता है तो किथ कहता है कि उसे वो चाबी नहीं मिली है लेकिन लिया को किथ पर शक होता है
तब लिया उसकी तलाशी लेने लगती है। इसी दौरान लिया को उसकी जेब में वही हथियार मिलता है जो उसने अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। एंटम को लगता है कि कित ने ये वेपन उन्हें मारने के लिए अपने पास रखा था, इसलिए एंटम कित को मारने के लिए जाता है, लेकिन कित वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम जैकी को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है और उसे देखकर गेम मास्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे जैकी पर ही लगाए होते हैं। जैकी के पास कार लाती है और ये दोनों निक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम कित को देखते हैं एंटम से बचने के लिए भागते समय कित के हाथों से वो चाबी कहीं खो गई थी और वो चाबी जैकी और सारा को मिल जाती है। कित उनसे वो चाबी मांगता है और उनसे कहता है कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ पर गैसोलीन ऑयल बिखरा हुआ है और अगर तुम मुझे वो चाबी नहीं दोगी तो मैं आग लाकर तुम्हें मार दूंगा। इतने में ही निक वहाँ पर आ जाता है और कित पर अटैक करके उसे मार देता है और ये तीनों डोर खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि डोर के पास लिया और एंटम इन्हें मारने के लिए इनका वेट कर रहे हैं। तब जैकी एक प्लान बनाती है और वो उनसे कहती है कि उन्हें लगता है कि मैं मर चुकी हूँ और मैं सारा के कपड़े पहनकर उन्हें चकमा दूंगी। तभी मौका देखकर तुम लिया को मारकर डोर को खोल देना। इसके बाद जैकी एंटम को चाबी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाती है और कार्ला डोर खोलने के लिए जाती है। लिया को लगता है कि वो जैकी है लेकिन वो देखती है कि वो जैकी नहीं बल्कि कार्ला है। कार्ला लिया से फाइट करके उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन लिया कार्ला पर उसी वेपन से अटैक करती है जो उसे कित की जेब से मिला था। कार्ला का कैमरा टूटने की वजह से उसका फेस पूरी तरह से एसिड में जल जाता है और कार्ला की भी मौत हो जाती है। अब लिया उसकी जेब से चाबी निकाल कर डोर खोलने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब उस गेम में केवल चार लोग ही जिंदा बचे थे। जैकी किसी तरह एंटम को ऑयल वाली जगह पर लेकर जाती है और निक से ऑयल में आग लगाने के लिए कहती है लेकिन एंटम निक को बुरी तरह घायल कर देता है और जैकी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन किसी तरह निक ऑयल में आग लगा देता है और आग में जलने के कारण एंटम की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ लिया उस डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन गेम पूरी तरह से समाप्त ना होने के कारण वो उसे नहीं खोल पाती। इतने में ही वहाँ पर जैकी आती है जिसके हाथ में एक तलवार होती है और वो एक ही झटके में लिया का गला काट देती है और लिया भी यहाँ पर मारी जाती है। इसके बाद जैकी उस डोर को खोलने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जैकी भी उस डोर को नहीं खोल पाती क्योंकि जैकी के अलावा एक और प्लेयर निक भी अभी जिंदा होता है। तब निक जैकी से कहता है कि ये डोर तभी खुलेगी जब हम दोनों में से कोई एक जिंदा बचेगा, इसलिए तुम मुझे मार दो। लेकिन जैकी उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती और हम दोनों ही इस गेम से बाहर जाएंगे और जैकी दोबारा से उस डोर को खोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वो डोर खुल जाती है। ये देखकर जैकी बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन जब वो निक की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि निक ने जैकी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। ये देखकर जैकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जैकी वहां से बाहर आती है। तभी क्रिस उसके आता है और उसे देखकर क्रिस बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे बताता है कि तुम इस गेम को जीत चुकी हो, यानी कि जैकी ही इस गेम की विनर बनी है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि जैकी भी पहले एक गेम मास्टर थी लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए क्रिस ने उन लोगों के साथ जैकी को भी उस गेम में डाल दिया था। क्रिस उसे बताता है कि हम दोनों पहले एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तुम गेम हारने वाले को सजा देती थी और मैं गेम खेलने वालों पर नजर रखता था। तब ये सुनकर जैकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी आखिर उन्हीं लोगों ने उसे गेम में डाल दिया था। अब जैकी भी किसी तरह क्रिस से बदला लेना चाहती थी लेकिन वो इस गेम को बनाना नहीं जानती थी, इसलिए वो क्रिस से उस गेम को बनाने के लिए ट्रेनिंग लेती है और एक पार्टी के दौरान जैकी उन सबको बेहोश करके उसी मौत के गेम में डाल देती है और उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1.5 मिनट का ही टाइम देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अब क्रिस और उसके सभी साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने ही बनाए हुए गेम में फंसकर मारे जाएंगे। यहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि अपने मनोरंजन के लिए दूसरे की जिंदगी के साथ गेम खेलना कैसा होता है और इन सब की मौत की चीखों के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।